कैसे हुई थी राधा की मृत्यु, श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार था। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के देवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। यह दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी दोस्तों, जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन कभी नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस जरूर आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस कभी नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैव्य कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्ति किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह
आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजा कर सुनाए। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि दोस्तों, जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें।